ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जाके देखो तो कितना गहरा है, जाके देखो, जाके देखो, जाके नहीं फरे ना, ये पतिया का यही का बन गया, पतिया बना यही का बनी, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसका मतलब क्या है, देखो ये पूरा लाल बालू है, ये ग्रीन टी बनता है, इसका ग्रीन टी, मतलब एक किलो का 1,00,000 रुपया मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं आसाम, और आसाम में आज पहली बार हम लोग चाय की खेती देखने जा रहे हैं, यानी चाय का बागान देखने जा रहे हैं। तो आप लोग को हम दिखाएंगे कि चाय का बागान कैसे होता है। तो फटाफट से हम लोग तैयार होकर के चाय के बागान यानी चाय के खेत देखने के लिए जा रहे हैं, और आपको हम बहुत सारी चाय से रिलेटेड बात बताएंगे कि चाय कैसे बनता है, चाय की पत्ती कैसे होती है, चाय का खेत कैसे होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी चाय से रिलेटेड जानकारी समझ पाए, देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को, और एंजॉय करिए हमारा ये ब्लॉग वीडियो। कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगता है। हम आ गए हैं समय चाय पत्ती के खेत में, और यहाँ एक जगह चाय बन रहा है। तो कैसे बनाते हैं चाय हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पास है, तो अभी हम लोग आ गए हैं। ये तोड़ते हैं, ये वाला। अच्छा ये वाला छोटा सा ऊपर वाला तोड़ते हैं। अच्छा ये तोड़ते तो इसी को बना देता है पत्ती हो जाती है जी। वो बताएंगे, वही बताएंगे, किसान भी है, मेहनता भी है। हाँ अच्छा अच्छा जी, नमस्कार। तो आप बताएगा थोड़ा इसके बारे में। तो ये सब आपका ही है पूरा? अच्छा, मतलब 1 किलो का 1,00,000 रुपया मिलेगा? बिना खाद के बनाया है। अच्छा, इसको देखने में तो बाहर से भी आदमी आते हैं, तो कनाडा, अमेरिका, देशों में आते हैं। चाय पत्ती है, यही चाय पत्ती है, यही पत्ती है, इसी से सब बनता है। बिना खाद का है ना? बिना खाद का बनाते हैं। ये सब चाय का पेड़ है। तो ये कब लगता है, मतलब जैसे कितनी बार लगाना पड़ता है? एक बार लग गया तो लग गया, 100 साल चलेगा ये? अरे बाप रे, एक बार लगा लो। तो ये बढ़िया है ना, एक बार लग गया, इसी को काटता है, तोड़ता है, इसी को अपना बेचते रहो। अच्छा, इसके बाद फिर ये बनता कैसे है, ये पत्ती जब जैसे टूट गया है? नहीं फरे ना, ये पतिया का यही का बनिया जाए, पतिया बना यही का बनी, ये पतिया का बनिया जाए, कर बना के अपन। तो इसको चाय कैसे बनाते हैं कविता? इसको चाय कैसे बनाते हैं, इसका चाय पत्ती कैसे बनती है, ये मतलब ये फिर? अब हम लोग घर में जाएंगे ना, देखेगा कि एक ढेकी बोलते हैं, उसको काट से बनाते हैं, उसको ऐसे पीसते हैं, ये इसको इसको भाजते हैं, पीस के भाज के अलग अलग। यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं मिलता है, कोई केमिकल नहीं मिलता है, ये रॉ है, रॉ है पूरा। थोड़ा गर्मी करना पड़ेगा, जब सुखाएगा ना उसको टूटेगा, तुरेगा, तोड़ेगा, ढेकी से तुरेगा, तब वो साई बन जाएगा। तो ये हाथ से तोड़ना होता है, कुछ मशीन आती है इसमें, हाथ से तोड़ ले, हाथ से तोड़ लो सीधा। हाँ अच्छा, वो आते हैं लोग करने के लिए, जैसे हमने किया ना मजदूर बना सा कुर्ता आ करके, अपना नहीं बना, मशीन नहीं बना, हाथों से बना, हाथों से बना सब। अच्छा कराही है ना? कराही, कराही में बढ़िया है। तो कोई आप बना करके रखे पैकेट वगैरह कुछ है घर में? घर पे है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हम लोग रहेंगे 1-2 दिन अभी, तो देखेगा चाय पी के कैसा लगता है इधर का। यही वाला चाय था ना जो आज हम लोग सुबह पिए थे? वो उधर पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ है उधर, लेकिन हाथी। अच्छा ऐसे पकड़े उठाते उठा देगा हाथी? जंगली होगा, फेंक देगा तो, फेंक देगा कि फाड़ देगा, सब खत्म कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा, और क्या। वो तो मर जाएगा तुरंत, और क्या, लात बहुत कुछ है ना, उसका पूरा टूट गया है। आगे में जो जंगल है ना, वो भी हाथी है, उसमें हाथी है। अच्छा चाय की, उधर धान भी लगा हुआ। साल में कितनी बार धान लग जाता है इधर? एक बार ही कटता है। उधर आगे तो बोल रहे थे कि साल में हम लोग 3 बार काट लेते हैं। 2 बार काटे हैं आगे के लोग। हाँ हाँ हाँ। अच्छा
झरल ना और उ सुखा गेले से बड़की बड़की पतैया ओय में खाली आइए ने उतर के भाई आइए बस तोड़ेगा ये तोड़ेगा भाई अब फिर आएगा हां बस यही तोड़ेगा यही तोड़ेगा बस खाली हां ये सब तोड़ेगा नया वाला अच्छा थोड़ा अपन निकल जा देखो फिर बन बनिया जा पुराना का पता कई काम है नहीं है अभी लॉक गेल तो एक चलत रही कई साल तक ले एक तोड़त रह बेचत रह ऐसा पार्ट ग्रीन टी बनता है किसका ग्रीन टी ये सब ग्रीन टी बनता है ये ग्रीन टी बनता है इसका ग्रीन टी और चाय पत्ती इसका बनेगा उसी का बन जाएगा नहीं ये बात नहीं हो रही है जैसे इस जमीन पे ही सिर्फ होगा ये या फिर हम लोग की तरफ ही लग सकता है लगा देगा इसका पेड़ मिल जाएगा बीज जाता है बहुत मेहनत लगता है क्योंकि बीज को कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है वो क्या है जी वो भी इसी का पत्ता हाँ ये भी सब 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 है भाई ये कुछ अलग वैरायटी है क्या सेम है सेम है लेकिन कटिंग का कुछ दिक्कत हुआ है ना अंजू का एक फोटो खींच लो आ जा शायद चार फेरे अधिक और मैंने तीन फेरे अधिक लिए बट फिर भी मैं अभी पीछे पीछे घूम रही हूँ हाँ मेरा एक फेरा कम है चलो पूरा कर लेना पाँच साल बाद फिर होगा ना नहीं पाँच साल बाद चुनाव होता है ना हाँ तो हम लोग भी चुनाव फिर करेंगे बपरे फिर मैं भी चुनाव करूँगी अरे तो फिर वही प्रधानमंत्री बनेंगे ना अभी कौन अलग है प्रधानमंत्री को अलग थोड़ी ना चेंज करना है गाइस इधर चापाकल देखने को नहीं मिलेगा आप लोग को अधिक से अधिक देखने को ऐसे मिलेगा कुआं ये देखो कितना उरी बाप रे जाके देखो तो कितना गहरा है जाके देखो ओए पता है मैं गिरने वाली मां ताल वाले खेत में जाती ही नहीं कभी नहीं पानी पड़ जाए तो मैं जाऊंगी नहीं डर लगता है उससे बस रोपनी हम लोग करते हैं रोपनी ना तो ये लगा मोजा पहन के रोपनी करते हैं मोजा पहन के इतना मोजा पहन के रोपनी करते हैं ताकि उसमें पकड़े नहीं तो गाइस अभी हम लोग चाय का पेड़ देख लिए यहाँ पे बहुत सारा चीज लगा और आज हमको पता चला कि चाय में कुछ फटता नहीं है चाय की पत्ती से ही मतलब जो कली होती है ना उसके से ही ये पूरा बनाया जाता है और अभी मेरा फोन तो यार स्विच ऑफ हो गया था अभी दूसरे फोन से बना रहा हूँ मैं और यहाँ पे एक बात और चीज पता चला कि बिना केमिकल के ये लोग चाय बनाते हैं मतलब चाय पत्ती बनाते हैं बट महंगा भी बहुत है बहुत महंगा भी मतलब भी मिलता है यहाँ पे गाइस ये है कड़ी पत्ता लेकिन इसे खुशबू छी बेकार लगता है क्या लगता है तो अच्छा है और इसे मिक्स के देखिए मरचा जैसा लग रहा है यार देखो ये पूरा लाल बालू है ये पत्थर से कट करके पत्थर से टूट के आता है ना पत्थर से कट के ये सब ये पूरा लाल वाला बालू है हम लोग के यहाँ ये 7-8 हजार रुपए टाली मिलता है हाँ 8 हजार रुपए टाली मिलता है ये बहुत महंगा पड़ता है उसी से घर बनता है इसी से घर बनाते हैं आप लोग की तरफ कौन सा चाप क्या लेता है सीमेंट लगाता है बस बालू ये वाला बालू व्हाइट वाला बालू हम लोग तो व्हाइट नहीं यूज करते हम लोग पूरा व्हाइट वाला फेंक देते हैं और लेकिन ये वाला बहुत तगड़ा पकड़ता है बढ़िया पकड़ता है इसका मतलब क्या है दादी के घर पानी पता है आपको बांध आता था ना बांध हाँ अच्छा ये कह रही है कि हमारे दादी के घर के तरफ भी ऐसा पानी आता था बांध आता था तो मतलब बाढ़ आता था ठीक समझ गया वाह का यार उठा के ले जाओगी क्या सब बालू उठा लो सर पे ले चलो एक बस्ता अपने अपने उसमें बैग में भर लो पूरा बैग में भर लो ले चलो बालू आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ जो घर बनता है ना ये वाइट क्या बोलते हैं इसको वाइट बालू से ही बनता है और एक सीमेंट जो ईट जो है ना सीमेंट का ही ईट है पूरा सीमेंट का ईट लगा रखे हैं पूरा का पूरा सीमेंट का ही ये काम करते हैं लोग घर बनाते हैं तो इधर रेड वाला जो हम लोग का भट्ठा वाला ईटा है ना वो अलग नहीं यूज करते लोग हाँ बाकी देख सकते हैं ये भाल कैसे हो भात खाला हाँ भात खाई ना दाग क्या बोला नहीं है भात खाता नहीं है क्या नाम है आपका
नाम बताओ, नाम तुम्हारा नाम क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। अभिज्ञान बरा, ओ पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ती हूँ क्या, कौन से क्लास में, आंगनबाड़ी में, हाँ शादी करेगा, शादी शादी करेगा, नहीं पता, नहीं करेगा शादी, नहीं करेगा हमसे कर लो, उस उनसे करेगा, सुन शादी करेगा उनसे, ये शादी करेगा इससे, भाल लगी से मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इधर देख के बोले, उधर देख के बोले, इधर देखो, अच्छा लग रहा है, हैं अच्छा बिल्कुल लगी से भाल लगी से ना, आते हैं ना जो भी आता है उसको ये हम तंबूल देते हैं, तंबूल सुपारी, सुपारी अच्छा, ये दालचीनी है, ये दालचीनी है भाई, यहाँ होता है, हाँ ये दालचीनी भी होता है इधर, हाँ होता है, ऐसे खाली वो दो होटल से दालचीनी, इनको ये दालचीनी ये भी होता है, ये नहीं होता, ये होता है, तो फिर ये होता है, ये बहुत महंगा आता है हम लोग की तरफ, और फिर ये क्यों लेके आया, क्यों महंगा होता है, यहाँ पे मिलता है भाई, ये 800 रुपए किलो है, ताप दाम तो वैसे आ रहा है, या मतलब 1 पैकेट 10 रुपीस ये हम लेके जाएंगे, कहाँ है चलो, दस्ता आसा 11 आसा 10 टका मतलब 1 से 1 रुपीस पैकेट में 10 रहता है, 11 रहता है, बस ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, त्रिफला हमने का बटले हुआ, तो गाइज यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही दिल के साफ लोग हैं यहाँ का, मतलब ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही बेस्ट एक मतलब मेमोरी है, बहुत ही यादगार पल है, और बहुत काफ़ी अच्छा लगा हम लोग यहाँ पर आ करके बहुत लोगों से मिल करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे आशा उम्मीद है कि आपको हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय दोस्तों।